हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो ये यूट्यूब स्कल ई स्पोर्ट्स का स्क्रीम से, और आपको ये वीडियो में सोल के कुछ अच्छे फाइट देखने को मिलने वाले और सोल वर्सेस गॉडल का भी फाइट देखने को मिलने वाला है, जहां पे आपको गॉडल जी गॉड का पीओवी देखने को मिलेगा। क्योंकि अब थ्रश का जो स्क्रिम्स हो रहे वो अभी लाइव नहीं हो रहे, इसलिए आपको जी गॉड का पीओवी देखने को मिलने वाला है। और अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। को कुछ बुलेट्स लगी है वहां पर, नॉकआउट कर दी गए हैं, बट अब देखने वाली बात है कि क्या यहां पर जो हेक्टर है क्या उनको बचाते हुए नजर आए, क्योंकि सामने से रेवेनेंट के खिलाड़ी फिलहाल के लिए यहां पर नजर आ रहे हैं। रेवेनेंट और डीएसएम अभी के लिए ओके, नॉट इट्स रेवेनेंट इट्स डीएसएम, बट निंजा जॉर्ज काफी ओपन में और ये फिर से आप यहां पर नॉकआउट कर दी जाएंगे। मेरे ख्याल से प्री फ्रैग यहां पर ओमेगा के लिए, शायद अंदाजा नहीं लगा पाए कि कहां से उनकी तरफ वो बुलेट्स आ रही है। बॉक्सेस के बारे में उनको अंदाजा तक भी नहीं अब यहां पर, एग्जैक्टली यहां पर अंदाजा भी नहीं था। ओपन पैच में क्रॉस करना बहुत ज्यादा गलत है, मैं कहना चाहता हूँ। यहां से निकल कर आया निंजा एंड संयम का फ्रैग, सिंपल मैं कह रहा हूँ ओमेगा को काफी आसानी से मिल चुका है। एंड अब यहां पर रिवाइवल भी देखिए काफी सरलता से मिल जाने वाला है। एंड ओपन मतलब जो खिलाड़ी मौजूद भी है ना वो भी कंफ्यूज हो जाए कितने खिलाड़ी उनकी तरफ बड़े हैं। बट इससे पहले जो यहाँ पर ओमेगा का नॉकआउट निकालेगा तो मैं काफी सरप्राइज हूँ, प्लेयर्स काफी दूरी पर थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें हेक्टर, क्या उनके बारे में उनकी उस जानकारी थी शायद? यस, और बिल्कुल वहां पर खिलाड़ी आए जरूर, लेकिन अच्छा नहीं गया था, और अगर यहाँ से टीम सोल को एलिमिनेट करके उनका एक आगाज मिलता है तो मैं बोल सकता हूँ आगे तक वो इस गेम से और अच्छे अंक यहाँ से निकाल पाएंगे। बट टीम सोल का घेराव आप देखिए, तीन खिलाड़ी बिल्कुल के सामने जरूर है, लेकिन एक फ्लैंक वो मिल चुकी है। ओमेगा अभी भी पीछे से एंट्री ले रहे, लेकिन कंपाउंड के अंदर कवर है तो एज सच ओमेगा भी ज्यादा कुछ वहां से नहीं कर पाने वाले। एंड देखिए हेक्टर को इंस्टेंट फिनिश भी डाल दिया गया, ट्रेड निकाला है, बट यहाँ से जोकर अभी भी देखिए प्रॉपर फायदा उठा रहे हैं। जंप पंच जो चीज जोकर ने करी थी हेक्टर के साथ, गॉब्लिन निकाल लीजिए, हम भी आपको लेकिन कूल डाउन करते नजर आने वाले। लेकिन यहाँ से थोड़े बहुत शॉट्स उनके ऊपर फटने वाले, पीछे से निकले कवर है तो ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अब ओमेगा भी मुझे लगता है एंट्री लेते नजर आएंगे। कायलो अभी बहुत ज्यादा दूर से एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज दिया बट ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके चलते अब सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किलों में लेकर आई, आदि को भी यहाँ पर लॉकडाउन किया गया है एंड पूरी स्कॉन स्टॉक उनको लेकर जाते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीम सोल भी अब फाइनली इन्वॉल्वमेंट लेते हुए फाइट में यहाँ पर, और इस जगह अगर हम बात करें टीम सोल के यहाँ पर काफी मुश्किल के हालात, क्योंकि अभी भी दो खिलाड़ी यहाँ पर नॉकआउट हुए जरूर थे। बट चलिए इंस्टेंटली वहाँ पर नियो, माय बैड, नॉकआउट नहीं हुए थे बट एचपी बहुत रेन आउट यहाँ पर हो चुकी है। गॉब्लिन को वहाँ पर बचाना फिलहाल के लिए काफी एक रहेगा एक टास्क, लेकिन फिलहाल जो ये टीम नजर आ रही है टीम नंबर 16, इनके लिए बच पाना काफी मुश्किल ही नजर आ रहा है। ड्रॉप फ्रैगर भी अपने आप को ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएंगे, कवर की तरफ नहीं लेके जा पाए, लगा था कि डिप्स का एक फटका मुश्किलों में डाल सकता है। गिल भी पहले ही प्रेज्यूम करे कि यहाँ पर खिलाड़ी हो सकता है, इसे वेट करके ही उनको एंट्री लेनी होगी। एंड इसी वजह से सोचा समझा यहाँ पर एक्शन सुपर भी फाइट लेने का प्रयास करते रहते, एक्शन को डाउन किया जाएगा। माइटी एफएस मैडमैन पिक ऑफ होते रहेंगे, इकलौता खिलाड़ी इस समय सरवाइव कर रहा है। सामने देखना होगा एक्टर किस तरीके से अटैक करते हैं। आप देखिए सोल वर्सेस 8 बिट यहाँ पर फाइट ले रहे थे, बट अभी के लिए एक्टर के पास एक अच्छा पोजीशन है, उनके पास देखिए वेपन भी अच्छा है, देखते ही देखते एलिमिनेट किया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बट यस ओमेगा की कैजुअलिटी इस समय फेस करनी पड़ी। अभी मेरा एमो बेंचोर अबे साला पीछे बैठा था, देखने पकड़ सकता तो पकड़ ले, मेरी वही दे रहा वो। वॉच आउट, आजा स्मोक, इसके बंदे आ रहे हैं, उठा गया बच्चे मेरे पीछे, वो मर गया क्या? वो मर गया ना,
कौन पुश मार रहे बाहर से बाहर से क्लोज सर डोर पे डीपी ले रहा है अभी तक अरे ऊपर चढ़ गया बे ओ अबे पीछे वाला इनका अलग फाइट होगा तो कैसे लगा आपको सोल का ये आज का फाइट मुझे कमेंट करके बताना है एंड अगर आपने नियो का ओपी 1v4 वाला मैच नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो तो बस यही था आज का वीडियो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ तब तक अगले वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग